कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। निपाई अनिपाई अस्सलाम वालेकुम निपाई। वालेकुम सलाम आशू जी। और मैं जा रहा था बब्बर शाह के डेरे पर, सारे लोग उधर इकट्ठे हो रहे हैं ना, आपने नहीं जाना भाई नीफ? जाना है, थोड़ा काम है वो ख़त्म कर लूँ फिर आता हूँ। तो चलो फिर यार इकट्ठे ही चलते हैं, मैं मोटरसाइकिल साथ लेके आया हूँ, मेरे साथ बैठो, वापसी पे आंधी बारी मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ भी जाऊँगा। नहीं मासू जी, आप जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई नीफ क्यों बेगानों जैसी जो है पराई पराई सी बातें करते हो? अच्छा पानीफ वो फिर क्या सोचा है तुमने? किस बात के बारे में? ओ भाई जी वो और तू भी भोले बादशाह भाई, और सारी रात वारिस शाह का किस्सा सुनता रहा है, सुबह उठ के मुझे पूछ रहा है कि हीर औरत थी के मर्द। पानीफ वो मैंने रिश्ते के बारे में बात की थी ना, और तुमने मुझे कहा था कि सोच के बताऊंगा। मास्टर जी अब भी आप रिश्ता करना चाहते हो? क्यों, अब क्या हो गया? मास्टर जी मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगा लेता हूँ। ये जिस खजाने की वजह से आप मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे ना, वो खजाना तो पंचायत में जमा हो गया है, और हो सकता है उसमें से मुझे कुछ भी ना मिले। फिर वैसे भी उस दिन आप पंचायत में तो कह रहे थे ना कि ये खजाना तो एवं नजायज ही अनीफ कबाड़िया को मिल गया है। अनीफ कबाड़िया कौन सा फकीरे का वारस है? भाई इधर आ मेरे यार, इधर बैठ, इधर बैठ। तुमने तो मेरी बात को दिल पे ही लगा लिया अनीफ भाई। असल में मुझ पर मेरी मगेरा बरादरी का प्रेशर था, सबने तो मुझे आगे कर दिया था कि चलो मास्टर जी करो यहाँ पे बात। अब अगर मैं अपनी बरादरी के खिलाफ उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला करता तो नीफ भाई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाना था। आप तो सियाने ब्याने हो, आप तो जानते हो ये शरीके के रौले गौले को, मरता क्या ना करता। इसलिए मैंने फिर वहाँ पे बात कर दी, वरना अल्लाह जानता है आपको खजाना मिलने की जितनी खुशी मुझको हुई है मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं ही तो आपको सबसे पहले याद मुबारकबाद देने के लिए आया था नी भाई, याद है? याद है मासी जी, याद क्यों नहीं है। पर मुझे ये बताएं, अगर खजाने में से मुझे जरा सा भी हिस्सा ना मिला तो? पहली बात तो ये है कि मुझे आपके हजाने वगैरह का लालच ही कोई नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। और दूसरी बात यह है कि हजाने में से आपको हिस्सा ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है बब्बर शाह ने सारी बरादरी के सामने कहा है कि आपसे कोई ज्यादती नहीं होने देगा, और फिर आप तो जानते हैं, बल्कि सारा जीवन नगर जानता है कि बब्बर शाह की कही हुई बात जो है पत्थर पे लकीर होती है, वो जो कहता है उस पे अमल करके भी दिखाता है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठू इंतजार करूं, जाना है ना मेरे साथ? और मैंने तो लेके ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, नाराज या मुझसे। लो जी भाइयों, मैं तो कहता हूं कि शाहजी पर रब का खास करो। मैं 6 गोलियां तो क्या, शाहजी को अगर 600 गोली भी लग जाती ना तो इनको सत्ते ही खैरे थे। क्यों मौलवी साहब? जी जी, शाहजी ने हमेशा हक सच का साथ दिया, और मुश्किल वक्त में तो खुदा भी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वाह वाह, सुभान। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। शाहजी मैं जरा फैक्ट्री से आता हूँ, कुछ काम आ गया। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं तुम इधर ही रुको शाहजी के पास। जी तो शाहजी मैं कह रहा था कि दुआ में बहुत असर, हर नमाज के बाद हमने आपके लिए खसूसी दुआएं की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह पाक ने हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत बख्शा। बेशक बेशक। शाह जी, मैंने तो आपके लिए स्कूल के सारे बच्चे इकट्ठे करके सेहत तंदुरुस्ती के लिए खसूसी तौर पर दुआ करवाई थी। आप तो जानते हैं ना शाह जी कि जब मासूम बच्चों के छोटे छोटे हाथ अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए उठते हैं तो फिर उनकी दुआ अर्श तक जाती है, बल्कि दो चार स्टेप आगे भी चली जाती है। और शाह जी, मैंने तो सारा दिन अपने गाहकों को मुफ्त खाना खिलवाया, माशाल्लाह, एक पैसा नहीं लिया जी। माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह। शाह जी, पता चला कौन लोग थे वो? शाह जी, मुझे तो लगता है कि ये सारा प्लास्टर का काम है। मैं तो कहता हूँ शाह जी, इस दफा इस प्लास्टर का पक्का पक्का ही मक्का उठा दे। और मैं तो ये भी कहता हूँ शाह जी, क्या आप एक अट्ठ का मसाला रख के इस प्लास्टर का ऊपर से प्लास्टर करवा दें। शाह जी, मैं तो कहता हूँ कि आप इस प्लास्टर के साथ वही करें जो आपने काने वरियामे के साथ किया था। क्या किया था? क्या किया था नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता ही कोई नहीं है। शाह जी बताए, बताए ना, सबको बताए शाह जी। वो तुम ही बता दो शाह जी, आप अपने स्टाइल में बताए ना सबको। नहीं नहीं, छोड़ो, मिट्टी डालो। छठे जी, जो करना था कर करा लिया, अब जिक्र का फायदा है? मैंने उसी उसकी खिची मरोड़ के कहा था कि ओए कानियां वरियामियां, अगर अब तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा शीशियों पे मुजरा कराऊंगी कराऊंगा। वाह शाजी, शाजी मजाक कर रहे हैं आप लोगों से। अब मेरे ख्याल से शाजी, अब आपको ना आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, बातें अच्छी बातें हो रही, कर लेते शाजी को। इतने दिन अस्पताल में रहे हैं, जरा बातचीत कर लो। और क्या कर लेते? नहीं नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि आराम करना है आपको। बात तो सुने बिल्ले भाई, ओ आप तो बात इतनी प्यारी बातें कर रहे थे हैं जी, शीशों पे मुजरा। फकीरा कहता था, दुश्मन के सामने अपना हजार बंदा खड़ा करने से बेहतर है दुश्मन की सफों में अपना एक बंदा खड़ा कर दो। और वो बंदा मुझे मिल गया था, राजा प्लास्टर का आदमी जारा गोल्डन। आयशा जी, आई आराम से, आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या था? मुझे सख्त हाथ न लगाना। पर ऐसे बनेगा बब्बर शाह? अब वो मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे क्या पता क्या कहा था बब्बर शाह ने। अगर नहीं पता था तो मुंह बंद रखता। शीशों पे मुजरा, क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं, ये सच्ची कहानी है। कौन सी सच्ची कहानी? हमने एक दफा मलकों के फंक्शन के लिए इनकार किया था, मलक हमें अगवा करके ले गए थे। हमारे एक चेले ने 15 पे फोन किया तो पुलिस वाले हंसना शुरू हो गए। अगवा करके मलक अपने डेरे पे ले गए थे हमें, वहां पे फर्श के ऊपर ना
15-20 कोल्ड ड्रिंक्स तोड़ के और हमें कहने लगे कि चलो अब फहद मुस्तफा और अहद रजा की तरह इनके ऊपर जंप करो। जालिम, सारी रात उन्होंने हमें टूटे हुए शीशों के ऊपर नचवाया था। मेरे चार चेले पंचर हो गए थे। आइंदा अगर किसी बात का पता ना हो ना तो चुप रहना, चुप। सालिम, मैं बता नहीं सकता, बड़ी कोशिश की मैंने, पर एक दर्जन से ज्यादा थे वो और मैं यहाँ अकेला। क्या बात है भी आपकी? और मैं यहाँ अकेला और ऊपर से फिर मुझे गोली भी लग गई। एक बंदा भी मेरे साथ और होता ना, मैंने शाजी तक कुछ नहीं देना था उनको। क्या बात है बिल्ले तेरी, तेरी वजह से आज शाजी सही सलामत है। और नहीं यार, ओए हम तो हाकी अदा नहीं कर सके, बड़े एहसान है शाजी के हम पे। और यार एक मिनट जरा, जरूरी कॉल है। मैं एक मिनट। हाँ हेलो। ओ बिल्ले, कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब पागल हो गया तू हैं? ओए आसपास 50 लोग होते हैं, नहीं उठा सकता उनके सामने, मैं खुद कॉल करूंगा जब करनी होगी। अच्छा अच्छा, ये बता के वो कैसा जा रहा है बब्बर शाह? बब्बर शाह, ओए एक मिनट लगता है उसको बब्बर शाह से बाबर शरीफ बनने में। अब बड़ी घटिया ट्रेनिंग दी है तुम लोगों ने, लेकिन फिक्र ना करो, अब मैं संभाल लूंगा। इधर आ गया ना वो, 2-3 दिन में एकदम परफेक्ट कर दूंगा, टेंशन ना लो। और तुम ये बताओ कि मेरे काम का क्या हुआ? ओए हो जाएगा तेरा काम भी, पहले हमारा तो हो जाए फिर तेरा काम भी हो जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए, और एक बात याद रखना, मेरे साथ ना कुछ चलाकी करने की जरूरत नहीं है, मैं आप बड़ा चलाक हूँ। हाँ एक मिनट मारूंगा मैं बाजी पलटने में। ओए अच्छा अच्छा, नहीं करते, ओके। हाँ ठीक है, और आइंदा फोन नहीं करना, मैं खुद करूँगा। चलो रखो, खुदा हाफिज। क्या रिपोर्ट है? ठीक है सब, मैं भी बकवास कर रहा था, छोड़ दो, चल जूस पीने चले। बाबर जी, हेलो बाबर जी, कोई ख्याल है आपको? मजे से आप यहाँ लेटे हैं और वहां मेरे बच्चे आपको मिस कर रहे हैं। आपके बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं? जी मेरे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं, पावर पैक सूप। 2 प्याले पियेंगे ना बाबर जी, दौड़ते फिरेंगे आप। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे बड़े सब मिलाकर तकरीबन 22। 22 बच्चे? हाँ जी, अभी तो एक दो जगह और भी बातचीत चल रही है, 3-4 और भी एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह। 2 दर्जन बच्चे इतनी सी उम्र में, माशाल्लाह बोले फौरन, शाबाश माशाल्लाह। चले ये पीकर बताएं कि कैसे। अच्छा नहीं लगा? जरा नहीं अच्छा। कोई बात नहीं, पीना पे भी पड़ेगा क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है, पिए पिए। हाय मैं सबके जाऊं। आपके बाल कितने प्यारे हैं। Really? मेरे भी बहुत लंबे बाल थे, कटवा दिए जालिमों ने। किन्होंने कटवा दिए?
वो जो दो नाई थे तो नहीं कटवाने थे ना बबर जी। वैसे कब की बात है ये? पुरानी बात है। इतनी पुरानी भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिर से लंबे कर लें, आई थिंक आपको सूट करेंगे। इतने सूट करते थे, इतने सूट करते थे, एक दफा मैंने गोल्डन डाई करवा लिए। सब कहते थे कि गोल्डन डाई, और क्या कहने लगे सर? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताए ना। कुछ नहीं। कमाल है, आज तो बड़े दिलचस्प हकायक सामने आ रहे हैं बबर जी। बस मुंह से निकल गए। अच्छा बालों को छोड़ें, आप सूप पिए। बहुत प्यारे हैं। क्या बाल? सूप। सूप। शाहजी किधर हैं? अपने कमरे में। और ये बिल्ला कहाँ है? इधर ही कहीं होगा, मुझे क्या पता। फौरन ब्लॉक से और शाहजी के कमरे में पहुँचो। क्या हुआ? बताता हूँ, फौरन आओ। ठीक है बबर जी, सूप पीते रहिएगा और मुझे इजाजत दें। शर्ट कितनी प्यारी पहनी हुई है आपने, रेडीमेड है या सिलवाई है? हमारा अपना टेलर है, आप कहें तो आपको भी सिलवा दूं। क्योंकि अब शायद उधर जाना ना हो। कहाँ? फैसलाबाद। फैसलाबाद में एक पूरा बाजार है जहां सिर्फ हमारे कपड़े बनते हैं। वाह क्या बात है आपकी शाहजी। उस दिन भी आपने बहुत प्यारा सूट पहना हुआ था जब आप अस्पताल आई थी ना, वो जिसके ऊपर गोटे किनारे का काम हुआ हुआ था, बहुत प्यारा था, बड़ा जच रहा था आपको। उस तरह का मैंने भी सिलवाया था, मैंने तो इधर प्लेटें डलवाई थी जी। आपने सिलवाया था, आपने क्यों सिलवाया था? वो मेरे एक मेरे दोस्त की बीवी के लिए वो उसने कहा था ना, वो जी। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी नोट करते हैं। करनी पड़ती है ना बाजी। शाहजी बाकी सब लोग मुझे मुन्नी बाजी कह सकते हैं, लेकिन आप मुन्नी जी भी कहेंगे तो चलेगा? ठीक है, मैं आपको मुन्नी जी कहूंगा, आप मुझे लाली। लाली कौन कहता है आपको? अम्मा हाजन। आपकी मदर, राइट? माफी चाहता हूँ शाहजी, कुछ जरूरी बात करनी है।
ठीक है, मैं अभी फिर रुक से जाती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा लाली जी, सू पीते रहिएगा बाबू भाई, प्लीज ख्याल रखिएगा। जरूर। ओके लाली जी। ओके मुन्नी जी। ओके लाली जी। शाहजी, कंफर्म हो गया कि आपके ऊपर हमला प्लास्टर नहीं करवाया था। प्लास्टर की तो मैं कैसे पता चला? बहरामपुर में अपना बंदा है, उसने कंफर्म किया। कोई एतवार वाला बंदा है कि नहीं? वो लोग पूरी तैयारी के साथ अपने डेरे से निकले थे, बहरामपुर से आगे ठीके वाले मोड़ पे जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ उन्हें देखा गया है। उसके बाद चंदनपुर से जीवन नगर के लिए रवाना हुए, उन्हें वहाँ भी देखा गया है। मेहरान स्ट्रीट की सीसीटीवी फुटेज में उन्हें साफ साफ देखा जा सकता है। और सबसे बढ़ के कल रात प्लास्टर के डेरे पे एक बहुत बड़ा जश्न हुआ है। डांसर भी बुलवाए थे उन्होंने? शाहजी, फंक्शन किया है तो कमीनों ने डांसर भी मंगवाए होंगे। अब कोई शक है तुम्हें? नहीं बाबू, कोई शक नहीं है। शाहजी, आपको कसम है उस प्लास्टर को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप मुझे हुक्म करें शाहजी, मुझे आपकी कसम, मैं उसके टोटे करके न लाया तो मेरा भी नाम बग्गा नहीं है शाहजी। उसने यहाँ आकर आप पर गोलियां चलाई हैं। बस कर बग्गे, गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेना। क्या दिमाग से यार, उसने शाहजी पर गोलियां चलाई हैं यहाँ आकर, और हम सब खामोश बैठे। खामोश नहीं बैठे, मैं मौके का इंतजार कर रहा हूँ। इसकी तरह अधूरा नहीं, पूरा काम करें। जज्बाती हो कि कोई चोट ना लगवा लेना। फिक्र ना करें आप शाहजी, मिला मैं साथ चल। हाँ क्या बात है, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, क्या हुआ? प्लास्टर भाई, क्या फायदा हुआ बब्बर शाह को मारने का? किसी को बता भी नहीं सकते, ना किसी पे रोप झाड़ सकते हैं कि हमारे राजा प्लास्टर ने मारा है बब्बर शाह को। हम तो वहीं के वहीं रहे। हाय, मैं सदके जाऊं। कौन? बाबू आ जाओ। क्या बात है शाहजी? वो कोई गलती हो गई है मुझसे। क्यों, क्या हुआ? आपने कहा बिल्ले को ट्रेन करना है। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि उसे भी काम सीखना चाहिए। पिछले महीने आपकी मेरी बात हुई थी, आपका भी यही ख्याल था, और मुझे तो अब भी पूरा पूरा यकीन है कि वो ये सब नहीं संभाल सकता। इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? कौन सा नशा है जो वो नहीं करता? सिगरेट तो नहीं पीता? उसके अलावा हर बुरा नशा करता है वो, और उसके बाकी शौक आप बेहतर जानते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है इस सब से उसे दूर रखें। चलो ठीक है, शुक्रिया, मैं चलता हूँ शाहजी, टाइम हो रहा है। टाइम किस चीज का? 11 बज रहे हैं।
जाओ, ठहरो जी। ये प्लास्टर का क्या हुआ? शाहजी फील्ड लगा दिए, बस उसके खेलने की देर है। वो खेलता भी है जी। जाओ। सबसे पहले तो तू नाहीद से बात कर, उसकी मर्जी पूछ। अपना दिल राजी हो तो मैं नाहीद से बात करूं ना अम्मा। सारा जीवन अगर जानता है, इस मास्टर तुफैल ने बहुत गलत बातें की हैं मेरे साथ, बड़ी ज्यादती की है, बल्कि सीधी सीधी बिस्ती की है मेरी। जब वो अपने किए पे शर्मिंदा है पुत्र, तो तू भी दिल वड्डा कर, माफ कर दे उसे। मैं तो माफ कर दूं, पर मैंने भी दुनिया देखी है अम्मा। मुझे पता है अब वो ये सब कुछ लालच में कर रहा है। दुनिया में कौन है ऐसा जिसे लालच नहीं? हर एक को किसी ना किसी शय का लालच होता ही है पुत्र। अब देखना, नाहीद बेटी का कहीं ना कहीं रिश्ता तो करना ही है ना। अब रब सोन ने सबब बना दिया है ना, तो बिस्मिल्लाह कर, हाँ कर दे, पूछ ले नाहीद से भी उसकी मर्जी। अब देख ले अम्मा फरीदा, कल को वो लोग नाहीद के साथ ऊंची नहीं नीना करें। ऐवें ही करेंगे, बब्बर शाह की माँ हूँ और ये बात मास्टर तुफैल भी अच्छी तरह जानता है। सारी मास्टरी निकाल कर रख देगा मेरा बब्बर पुत्र। तू बस नाहीद की मर्जी पूछ और बिस्मिल्ला कर दे। अच्छा, क्यों मार रहे हो मुझे? जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही कर रही हूं। ये मुंदी ने तुझे लाली कैसे पुकारा है? उसे कैसे पता चला तेरा नाम? वो तो उसने मुझे कहा था कि तुम मुझे मुन्नी जी ना कहा करो, सिर्फ मुन्नी कह लिया करो। तो मैंने भी फिर कह दिया कि तुम मुझे बब्बर शाह ना कहा करो, तुम मुझे लाली कह लिया करो। बब्बर शाह तो सारे कह ही रहे हैं, वैसे भी लाली को यहां कौन जानता है। दिल तो चाहता है खुद तो मर गया, अपनी लव स्टोरी पीछे छोड़ गया। ये बब्बर शाह की मशूक है? और उसकी मशूक कहां से आनी है? पागल था वो, मर्दों वाली कोई बात ही नहीं थी उसमें, औरत को देखता तक नहीं था। ऐसे इधर से औरत यूं गुजरी और उसका सर नहीं वहां हो गया। ये जो इतनी उछलती फिरती है ना, इसको तो बाद में सेट करूंगा, पहले जरा मैं इस टुंडे बाबू को फ्री कर दूं। सही कह रहा था बाबू। क्या कहता था बाबू? वो कहता था कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें काम सिखाया जाए, तुम्हें इस काम से दूर ही रखना चाहिए। मेरी काबिलियत तो बाबू बहुत जल्दी देखेगा, बल्कि हाथ लगा लगा के देखेगा कि बनी क्या है उसके साथ। फिर तूने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं क्या कहती? क्या कहती कहती लगा रखा है, कहता क्या है? कहता, हाँ कहता। और जो मैंने काम कहा था उसका क्या हुआ? इस तरह उसे शक हो जाना था, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, गा ना। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसको कल दोबारा बुला और सख्ती से कह, ओए ऑर्डर कर बब्बर शाह है तू। ये जो कर रहे हो बब्बर शाह से, बाकी बचा है बब्बर शाह। बब्बर शाह ओए ऐसे ना किया कर, और बब्बर शाह खराब हो जाते हैं। शीदा, माजिद, काला, सारे लड़ने वाले ना, किसी के सामने ऐसे निकलना। और ये है बाबू, ये बहुत खतरनाक बंदा है, ये बब्बर शाह की इच्छी बिच्छी जानता है। ये बार बार क्या कर रही है? बब्बर शाह को जुकाम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कंट्रोल करो। तू पकड़ के कर ले कंट्रोल।
बब्बर शाह बनना है। शाहजी, शाहजी एक अच्छी खबर है। हाय, लड़का है या लड़की? अब पहले खबर तो सुन ले शाहजी। अब बाबू बताओ क्या खबर है। प्लास्टर कल अपने बंदों के साथ मियांपुर जा रहा है। कोई फंक्शन है? शाहजी फंक्शन बाद में होता है, पहले बंदे का पता कर लेना। अब फिर बाबू दो गाड़ियां होंगी उसके साथ। दूसरी में म्यूजिशियन होंगे ना? म्यूजिशियन मतलब गनमैन वगैरह, असला। हाँ, वहां जाके बंदूकें भी तो बजानी है। जी चलानी है। जी शाहजी चलाएंगे। गाड़ी नूरशाह रोड से होती हुई बालनगर से गुजरेगी, वहीं उसे पकड़ा जा सकता है। ये हुई ना बात बाबू। आई लव यू यार। लव यू टू। बदला ले रहे हैं तो शाहजी का लव यू टू तो बनता ही है। मिलके मारेंगे उन्हें। हाँ 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 मारेंगे। ये ठीक है ना शाहजी? क्या ठीक है? सब ठीक है शाहजी, आप फिक्र ना करें, हम है ना, हम संभाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। हम शाहजी के साथ भी ज्यादा जोर नहीं डालना। आप रेस्ट करें शाहजी, आप आ जाओ। राजा पलस्तर ने बब्बर शाह को मार दिया है, और ये नकली बब्बर शाह एक खीजड़ा है लाली गुरु। ये बात मैं मार्केट में आउट करने लगा। तेरे राजे पलस्तर की तो ऐसी की तैसी, तेरे सर में गोली मारूंगा। शाहजी नूरशाह वाली साइड पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ कुछ लोगों ने प्लास्टर से माल उठाना शुरू कर दिया है। मेरी खबर से बात हुई है, उसने वहाँ सामान लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे शूटर्स की तादाद वहाँ थोड़ी कम है। नए बंदों को रिक्रूट करना पड़ेगा शाहजी। अब ओवरऑल मार्केट में हमारी पोजिशन डाउन है, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इस बार प्लास्टर नहीं बचेगा। एक बार हो गया तो फिर हम खुल कर खेलेंगे। और शाहजी वो रियाज ने माल के सैंपल भेजे हैं, आप चाहें तो खुद देख लें, अगर आप कहते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्ले को दिखा दो। ठीक है शाहजी। और एक और बात, वो खानका वालों ने रब्ता किया, वो चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप मियां सलमान के बजाय उनके बंदे पे अपना हाथ। चीते आने दो लेडीज को। हमो
क्या होता है? पकु झाट है कड़े कराओ। आयशा जी तुसी भी नहीं? मैं बिल्कुल नहीं। हाय साडे बब्बर शादी खैर होवे। हाय मैं सदके में कुर्बान जीवन नगर के शहजादे की खैर। आवाज बैठी हुई है शाला जवानियां माने जीवन नगर दी शान। मेरा बब्बर शेर। बब्बर शेर इतना बड़ा जानवर। बिल्ले कुड़ियों चिड़ियों के लिए खाने का बंदोबस्त करो। किसी और को भेज दे, ये बिल्ला है कहीं मुंह मार के ना ले आए। और हाँ मेरे लिए कुछ जरा ना नरम गजा मंगाइएगा। स्पेशल रुई मंगा ले। बिल्ले इसके लिए खिचड़ी भी बनवाओ। जी शाहजी। खिचड़ी का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बाबू जी शाहजी हम अपनी मीटिंग दोबारा कर लेंगे, फैमिली मीटिंग है और मुझे महसूस हो रहा है कि मामला कोई संगीन है। पत्तो। ओ लालनी साडा बब्बर घर आया। ओ लालनी साडा बब्बर घर आया। बब्बर घर आया। खामोश। सादा जाना है। तेरी खैरा अल्लाह तेरी जिंदगी आ। मेरा बब्बर। नहीं मेरा बब्बर। हां हां बब्बरू बब्बरू जी जाओ टोर ही किसे दे नहीं आज जी। आप कितने हसीं आप खुद भी नहीं जानते। आप कितने हसीं आप खुद भी नहीं जानते। हम तो मत होश थे हम तो कुछ ना कहे। होश वालों के भी होश उड़ से गए। होश उड़ से गए। खुद भी नहीं जानते। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।